नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, पति और पत्नी का रिश्ता संसार का सबसे अद्भुत रिश्ता। अद्भुत क्यों? क्योंकि दोनों दो अलग अलग घर में जन्मे, पले बढ़े, खाए पिए, पढ़ाई अलग किए, रहन सहन अलग, दो अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोग, दो अलग अलग कल्चर के परिवार के दो सदस्यों को अचानक से एक सूत्र में बांध दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आज से तुम संसार से पराए हो गए हो। केवल तुम और तुम्हारी पत्नी, केवल तुम और तुम्हारा पति, तुम दोनों अजनबी ही संसार के सबसे पवित्र और संसार के सबसे जाने माने रिश्ते में बंध गए हो और संसार तुम्हारे लिए अजनबी हो गया, इसलिए ये रिश्ता अद्भुत है। अब आगे क्या जो चाल चलना है, इस सफर में जो आगे कदम बढ़ाना है, वह दुनिया का एक भी व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं बढ़ाएगा। उस कदम को केवल तुम्हें और तुम्हारे पति को अर्थात तुम्हारे पार्टनर को तय करना है। इस गृहस्थी को आगे लेकर जाना है, बच्चों को जन्म देना है, एक मकान को घर बनाना है और अपने चारों ओर एक संसार बनाना है। अब निर्भर करता है तुम पर कि संसार को प्यार से भर कर रखते हो या बस एक संसार बना देते हो। बात करते हैं प्यार की, तो बहुत सामंजस्य, बहुत प्यार, अपनापन और दोस्ती उसी रिश्ते में होती है जहाँ कोई कंफ्यूजन ना हो, जहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, विश्वास हो, हाथ पकड़ कर जीवन की इस कठिन राह में साथ साथ चलने का आत्मविश्वास हो। तभी इस रिश्ते में अपार जीत और सफलता मिलती है, तभी इस रिश्ते में जीने का आनंद आता है। अद्भुत है ना ये रिश्ता। परंतु समस्या तब खड़ी होती है जब टकराव शुरू हो जाते हैं, जब बात बात में बहस शुरू हो जाते हैं, जब जिससे सबसे ज्यादा अपनापन मिलना चाहिए वहां अपनापन नहीं मिलता है, जहां से प्रेम मिलना चाहिए वहां से प्रेम नहीं मिलता है, जहां से सम्मान मिलना चाहिए वहां से अपमान मिल रहा है। पत्नी की सुनी जाए तो पति को पर इल्ज़ाम लगता है कि वो अपनी माँ की सुनता है, बहन की सुनता है, अपनी बड़ी भाभी के वश में है। केवल वो मेरी नहीं सुनता, मैं कुछ लाने बोलती हूँ नहीं ला कर देता, मैं जितना प्रेम चाहती हूँ उतना नहीं करता मुझे, मेरे बच्चों पर ध्यान नहीं देता, मुझ पर ध्यान नहीं देता, मुझे अपमानित करता है, मेरे मायके वाले को अपमानित करता है। पति की शिकायत सुने तो उसे पत्नी से लाख शिकायत होती है, मेरे अनुरूप नहीं रहती है, अपनी ही चाल चलती है, मुझे ज़्यादा हंसना बोलना पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करती है, मेरे अनुसार बताए गए राह पर कदम नहीं रखती है, इसलिए मुझे मेरी पत्नी पसंद नहीं है। इस सिचुएशन में क्या करें जब रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाए और टूटने की कोई वजह ही ना हो, बस बेवजह हो, केवल तुम मुझे पसंद नहीं तुम्हारी कुछ आदतों की वजह से, और केवल तुम मुझे पसंद नहीं तुम्हारे कुछ आदतों की वजह से। चलिए, इस तरह के कंफ्यूजन के कारण टूटने वाले संबंधों को बचाने पर करती हूँ आज एक अथक प्रयास जो कभी फेल नहीं हुआ, एक ऐसा प्रयास जिसे करने मात्र से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारा ये टूटता बिखरता रिश्ता सवर जाएगा। पत्नी भी करे यह प्रयोग, पति भी करे यह प्रयोग। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, अगर आप कुछ ना बताएं तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो प्रयास कर रही हूँ आपके लिए वो प्रयास सीधे पहुँचे आप तक। आज जो लेकर आई हूँ आपके लिए अद्भुत है, कभी भी फेल नहीं हुआ है यह प्रयोग, केवल दो कपूर की टिकिया। केवल दो कपूर की टिकिया पति के नाम लेकर जला देना, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, सातों जन्म तुम्हारी गुलामी करेगा। पुरुष, केवल दो लौंग की टिकिया पत्नी का नाम लेकर जला देना, चाहे दिशा भूल गई हो तुम्हारे घर की, तुम्हारे दिल की, तुम्हारी दिशा में फिर से लौट कर आएगी, चाल चलेगी ऐसी जो तुम्हारे घर तक पहुँचे, तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। चाहे किसी तीसरे व्यक्ति का साया क्यों ना हो उसके जीवन में, चाहे कोई उसे
तुमसे भी ज्यादा प्रेम क्यों ना कर रहा हो। इस मोह से भंग होगा उसका मन, इस बंधन से टूटेगी वो, फिर से जुड़ेगी तुमसे, तुम्हारे मकान को स्वर्ग के समान घर बनाएगी, तुम्हारे बच्चों को स्नेह देगी, तुम्हारे साथ अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुने, स्किप ना करें और संपूर्ण विधि को बिल्कुल सही तरीके से अपनाएं। इधर तुमने कार्य प्रारंभ किया और इधर असर किया, कहते हैं ना चमत्कारिक उपाय, तो आज मैं एक चमत्कारिक उपाय बताने जा रही हूँ। आपको क्या क्या सामग्री लेनी है कृपया ध्यान से सुन लें। आपको केवल और केवल दो कपूर की टिकिया लेनी है, साधारण वाली कपूर, जो टिकिया वाली कपूर होती है, दो टिकिया कपूर ले लें। लाल रंग की सिंदूर ले लें। हम यहाँ ग्रहों को केंद्रित करके, ध्यान केंद्रित करके सामान बताते हैं, तो जो भी मैं सामान बताऊँ कृपया वही लें मेरी बहनों भाइयों। दो टिकिया कपूर और थोड़ी सी लाल सिंदूर, जलाने के लिए एक माचिस लाइटर, कोई भी अग्नि जलाने के लिए। अब तुम्हें दो चुटकी नमक चाहिए, परंतु अपने किचन में प्रयोग किया जाने वाला नमक, अर्थात आपको साँचा नमक मार्केट से खरीद कर नहीं लानी है, जो खा रहे हो खाने में वही किचन से जाकर दो चुटकी नमक ले लें। तुम्हारी जो बैठने की दिशा होगी वो पूर्व दिशा की ओर होगी, अन्य कोई दिशा में ना बैठे। हो सके तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें और दिन केवल और केवल शुक्रवार का चयन करें। शुक्रवार को ना कर सको तो रविवार को करना, यह दिव्य उपाय। शांति से बैठ जाना, आसन लगाकर, आसन भी ज़्यादा करके सफ़ेद लेना, ना हो तो लाल मत लेना, अन्य कोई भी रंग लो, काला मत लेना परंतु लाल मत लेना। शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहन लेना, मन को बहुत शांत रखना। जब आसन पर बैठो तो तीन गहरी लंबी सांस लेना और छोड़ना, ताकि मन एकाग्र हो जाए तुम्हारा। अपने इष्ट को थोड़ी देर जप लेना, आँखें बंद करना और उस व्यक्ति को याद करना, अपने पार्टनर को, अपनी पत्नी को या अपने प्रेमिका को, अपने पति को या प्रेमी को गहरी याद करना, उसकी अनुभूति लेना, मानो बिल्कुल साक्षात वह तुम्हारे सामने हो, चाहे वो उस क्षण तुम्हारे घर में ही क्यों ना हो, उसे सामने मत बुलाना, उसे याद करना, उसे इतना याद करना, उसकी गहरी अनुभूति लेना, ताकि वो बिल्कुल तुम्हारे करीब हो ऐसा महसूस करना। उसके बाद आँखें खोलना। दो चुटकी नमक अपने दोनों हाथ की मुट्ठी में, एक एक चुटकी नमक रखना, एक चुटकी नमक दाहिने हाथ में रख लेना, एक चुटकी बाएं हाथ में, मुट्ठी को बंद कर लेना। सामने दो टिकिया कपूर की रख देना, जमीन पर, किसी पात्र पर नहीं, किसी चीज पर नहीं, और दोनों टिकिया कपूर पर थोड़ी थोड़ी सी लाल सिंदूर लगा देना। दोनों मुट्ठियों को जकड़कर मन शांत करके, आंखें बंद करके बैठ जाना और जप करना, ओम क्राम क्रीम सुम, ओम क्राम क्रीम सुम, ऐसे बोलना सुम, कंटिन्यूटी ना टूटे, जोर डालकर ओम क्राम क्रीम सुम, ओम क्राम क्रीम सुम, बोलने का लहजा यही रहेगा। 108 बार जप कर लेना। जब जैसे ही खत्म हो दोनों मुट्ठियों को बंद ही रखना, कोशिश करना थोड़ा सा खुल भी जाए कोई बात नहीं, सामने रखी दो कपूर को तीन बार अपने पार्टनर का नाम लेकर जला देना। दोनों कपूर जब जलने लगे तो दोनों मुट्ठी में जो एक एक चुटकी तुमने नमक बांधी, उस नमक को इस जलते हुए कपूर पर झाड़ देना, फेंक देना, दोनों हाथ झाड़ लेना। वहीं बैठे रहना जब तक कपूर संपूर्ण जल ना जाए। तुमने क्या किया है ये तुम सोच भी नहीं सकते, यह इतना चमत्कारिक प्रभावकारी उपाय है कि इधर तुमने किया और तुरंत असर प्रारंभ। केवल दो कपूर जल जाए, समाप्त हो जाए और देखो कैसे वो दिशाहीन प्रेमी या प्रेमिका, पति या पत्नी भागकर तुम्हारे पास आता है और हो जाता है तुम्हारे संपूर्ण वश में। तो अवश्य करें मेरे मित्रों, और क्या अनुभव किया अपने जीवन में बदलाव को, मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। भगवान शिव और माता पार्वती की तरह जोड़ी बनी रहे आप दोनों की। बहुत बहुत धन्यवाद।